Yes, good evening, guys. So, am I audible? Please confirm. So, am I audible? Please confirm. So, बच्चे ज्वाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं. जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, अटेंडेंस लगाते जाओ अपनी. जो जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, अटेंडेंस लगाते जाओ और साथ के साथ सेशन को लाइक करते चले जाओ. गुड इवनिंग ऐश्वर्या, ओमकार, ओम सॉरी, ओम नंदनी. यस, बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर दो, अपने फ्रेंड्स को, सेशन लाइव हो गया है. गुड इवनिंग सोनिया. सेशन को लाइक करते चले जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है. सो दिस इज प्रिलिम्स 2015 क्वेश्चन. एंड प्रिलिम्स 2015 क्वेश्चन अगेन, अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जिनकी कमांड रही होगी ज्योग्राफी में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक ब्लेसिंग ईयर रहा है 2015, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस ज्योग्राफी के यहाँ पर डाले हैं यूपीएससी ने, ठीक है. भाई सबको इन्फॉर्म कर दो, सबने ज्वाइन नहीं किया अभी तक. या गुड इवनिंग चिराग, वसंत, ओजस्वी, प्रताप, नायडू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि 2015 वाज द ईयर जो बेसिकली एस्पिरेंट्स के लिए, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहा था, स्पेशली ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनकी ज्योग्राफी पे, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी पे बहुत अच्छी कमांड थी. मेरी वॉइस क्लियरली सबको आ रही है? वॉइस में कोई लो पिच तो नहीं है या फिर किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? प्लीज़ कंफर्म कर दो एक बार. यस, प्लीज़ कंफर्म कर दो और सेशन को जल्दी जल्दी लाइक भी कर दो, ताकि ये जो है और लोगों को भी अलर्ट करता चला जाए कि भाई लाइव हो गए हैं सर, ठीक है, लाइव आ गए मतलब, ठीक है. सो गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन को. पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है. गुड इवनिंग शिवा. सो पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरेनियन सी. सिंपल सिंपल क्वेश्चन ये हो गया कि इनमें से कौन सी कंट्री है साउथ वेस्ट एशिया की जिनकी कोस्ट लाइन मेडिटेरेनियन सी से नहीं बनती है. यस, बताओ इसका आंसर. सीरिया दे दिया है, जॉर्डन दे दिया है, लेबनन दे दिया है और इसराइल दे दिया है. मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये वाला जो एरिया है वेस्ट एशिया का, ठीक है ना, ये लगभग हमेशा न्यूज़ में ही रहता है फॉर सो मैनी नेगेटिव रीजंस. टेररिज्म हो गया, वॉर हो गया, और जो प्लेस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा तो आप कैसे सोच सकते हो कि यूपीएससी उसके बारे में क्वेश्चन ना पूछे. सो दैट द यूपीएससी डिड, उन्होंने यहाँ से क्वेश्चन उठा दिया, ठीक है. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरेनियन सी. इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या है. सॉरी, तो एटलस सब लोग लेके बैठे हैं ना, सब लोग एटलस लेके बैठे हैं. ऐश्वर्या, इसराइल तो आंसर नहीं होना चाहिए. इसराइल तो कल भी बताया था तुम्हें, कल भी क्वेश्चन था ये वाला, था कि नहीं था कल भी? हाँ, राधे राधे वर्षा, ठीक है. महाराष्ट्र वालों को जय जय शिवाजी, ठीक है. आगरा वालों को जय माँ चामुंडा, राधे राधे. बंगाल वालों को जय माँ काली, ठीक है ना. तो चलो, एंड पूरे इंडिया के लोगों को हमने सीधा बोल दिया जय हिंद, जय भारत, ठीक है. तो चलो सेशन को लाइक कर दो जरा जल्दी से. हाँ, सेशन को लाइक कर दो जल्दी से और आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा इसका. सीरिया, जॉर्डन, लेबनन, इसराइल. भाई इसका आंसर तो सीधा सीधा क्या आ रहा है हमारा, जॉर्डन. जॉर्डन की लोकेशन देख लो यार कहाँ पर है, ठीक है, चेक द लोकेशन ऑफ जॉर्डन. तो इसका आंसर होगा हमारा जॉर्डन. तो जॉर्डन ये कोने में दिखाई दे रहा है तुम्हें, देखो. तो जॉर्डन इज नॉट हैविंग एनी कोस्ट लाइन विद मेडिटेरेनियन सी. हाँ, खम्मा गनी, राजस्थान वालों के लिए खम्मा गनी, ठीक है. सो बेसिकली गाइस, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो वेस्ट एशिया है, साउथ वेस्ट एशिया, ये हमेशा से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको बिल्कुल भी लाइटली लेना ही नहीं है मैपिंग में. मैपिंग की सीरीज़ क्या है, देखो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, 3 दिन 4 दिन के अंदर ही स्टार्ट करेंगे मैपिंग सीरीज़.
उसमें कॉन्टिनेंट वाइज कवर करेंगे और उसमें बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। मतलब ये वाला जो सेशन होगा ना मैपिंग वाला, ये ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो बेसिकली भी बड़े मतलब सोच रहे हैं कि भाई बहुत मतलब ग्रेजुअली हम लर्निंग करेंगे। दिस इज समथिंग फॉर दोज पीपल जो लिटरली यूपीएससी को ही अपना स्टैंडर्ड और यूपीएससी के हिसाब से ही अपना स्टैंडर्ड रेज कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली आंसर होगा इसका, आंसर मतलब जॉर्डन है, ठीक है। सो मेडिटेरेनियन सी इज़ एन इंटर कॉन्टिनेंटल सी डेट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका और इट इज़ अ सी कनेक्टेड टू अटलांटिक ओशियन सराउंडेड बाय द मेडिटेरेनियन बेसिन एंड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एनक्लोज बाय लैंड ऑन द नॉर्थ बाय सदर्न यूरोप एंड अनातोलिया। अब ये चीज़ें मैंने तुम्हें एक्टिविटीज़ के फॉर्म में कई बार बोला भी है कि जितने भी ऐसे सी हैं इनके साथ एक लिस्ट बना लो कि कौन कौन सी यूरोपियन कंट्रीज़ इनके साथ कोस्ट लाइन बना रही हैं, कौन कौन सी एशियन कंट्रीज़ इनके साथ कोस्ट लाइन बना रही हैं और कौन कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो इनके साथ सी बना रही हैं, मतलब इनके साथ कोस्ट लाइन बना रही हैं। ये हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, मज़ा आ गया लिटरली। और मैं समझता हूँ कि तुम सारे ही आंसर दे दोगे इसका। कह रहा है एक केस स्टडी दे रहा है, एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है। डिस्क्रिप्शन क्या दे रहा है? ईच डे इज मोर और लेस द सेम, लगभग हर दिन एक जैसा ही होता है, ठीक है। कोई बहुत वेरिएशन नहीं होता दिन में, एक दिन ठंडा दूसरा दिन गर्म, ऐसा कुछ नहीं है, हर डे लगभग एक जैसा रहेगा। फिर दूसरा आगे क्या बोल रहा है? मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विद अ सी ब्रीज। जो मॉर्निंग है बहुत साफ होती है, क्लियर होती है और सी ब्रीज आती है, यानी ठंडी मॉर्निंग होती है। और जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, ठीक है, हीट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और फिर उसके बाद दोपहर तक डार्क क्लाउड्स घिर जाते हैं और फिर दोपहर तक फिर क्या होगा? बारिश हो जाएगी थंडर और लाइटनिंग के साथ। और जैसे ही बारिश खत्म हो, और बहुत जल्दी बारिश खत्म भी हो जाएगी, और ये प्रोसेस ऐसे के ऐसे चलता है पूरे के पूरे दिन, ठीक है। हर रोज ऐसे ही प्रोसेस चलता है कि सुबह क्लियर स्काई, दोपहर तक आते आते बहुत अच्छी धूप, थोड़ा लेट आफ्टरनून हो रहा है तो सीधा सीधा क्या होगा ऐसे कंडीशन में, ठीक है। नंदिनी गलत कर रही हो, ध्यान से देख बेटा, ठीक है। तो शाम होते तो बारिश हो जाएगी और अगला दिन फिर ऐसे ही होगा क्लियर स्काई, ध्यान से देखो बेटा। ये कन्वेक्शनल रेनफॉल वाला प्रोसेस बता रहा है पूरा। बताया था ना मैंने क्लास में कि दिन में क्या होगा? इवेपोरेशन होगा बहुत ज़्यादा। दिन में क्या होगा? इवेपोरेशन होगा और इवेपोरेशन के साथ साथ क्या होगा? जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है वो होगा, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, रेनफॉल हो जाएगी। तो डेली की डेली ऐसा प्रोसेस चलता है, डेली की डेली। भाई सेशन को लाइक करते चलो जल्दी जल्दी, अपने फ्रेंड्स वगैरह को इन्फॉर्म कर दो और जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। कम से कम ये 400 तो क्रॉस कर दिया आज, ठीक है ना। ऐसा 400 तो क्रॉस कराओ, 395 पे हुआ पढ़ाई है। हाँ तो जय हो इक्वेटर की, बिल्कुल। तो आंसर होगा तुम्हारा इक्वेटोरियल रीजन। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है सबको? चलिए ये मेरे ख्याल से सबसे इजी क्वेश्चन रहा होगा। लेकिन पता क्या होता है, ये ना जो इतना डिस्क्रिप्शन लिखा है ये क्वेश्चन को लेंदी बना देगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अचानक से फंसेंगे, अचानक से फ्रस्ट्रेट होंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कहानी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है और 2 घंटे में क्वेश्चन करने हैं तो कैसे करें यार। तो तुम्हें थोड़े कीवर्ड्स देख लेने चाहिए क्या है, कि जैसे देन द रेन कम्स विथ थंडर एंड लाइटनिंग बट द रेन इज सून ओवर। तो ये जो ऐसे प्रोसेस है ये कहाँ पे होंगे? ये इक्वेटोरियल रीजन में होंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। रीडिंग स्किल्स को बच्चों इम्प्रूव करो अपने, ठीक है। रीडिंग स्किल्स को अपने इम्प्रूव करो बहुत अच्छे से। जितना रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होगी उतना अच्छा आसानी से क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं चलो। ये सारी कहानी मैंने क्लासेस में नोट्स में तुम्हें लिखवा रखी है, एक बस करेक्शन यहाँ देख लेना। यहाँ पे लिखा है 240 डिग्री सेल्सियस और 270 डिग्री सेल्सियस लिखा है टेम्परेचर। तो बेसिकली क्या है कि वो डिग्री जैसे होते हैं ना, लिख रहे हैं 27 ऊपर डिग्री, तो 27 के साथ वो डिग्री नहीं बन पाया तो वो 0 ही बन गया ऊपर, ठीक है। तो ये करेक्शन प्लीज़ कर लेना। ये ऐसा नहीं कि 240 और 270 सेल्सियस टेम्परेचर होगा, वो तो या फिर लाइफ ही नहीं बचेगी वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये डिग्री था जो बेसिकली 0 बन गया, टाइपिंग एरर है ये ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। इन साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज द रीजन, ठीक है। पहला लिखा है सी सरफेस टेम्परेचर बहुत कम होता है, दूसरा लिखा है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर्स,
एंड फिर सी लिखा है कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक, एंड डी लिखा है एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन्स। अब देखो ये जो स्टेट ऐसा जो क्वेश्चन होता है, मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो क्वेश्चन शॉर्ट होगा ना बहुत ज़्यादा, ये समझ जाओ कि उस क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ पेच होगा या वो क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा ट्विस्ट होगा। तो यहाँ पे ये तुम्हें देखना पड़ेगा थोड़ा सा। लाइव सेशन अटेंड कर रहे 20 लोग, लाइक किया हुआ 11 लोगों ने, भाई क्या नाराजगी है क्या। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो जरा, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जल्दी से इसको, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखो जरा, तो सी सरफेस टेम्परेचर लो है, ITCZ अकर नहीं होता है, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है, कोरियोलिस फोर्स वीक है, एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन्स। देखो एब्सेंस ऑफ लैंड लिखा है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ लैंड तो नहीं हो सकता, लैंड कम होगा एब्सेंस नहीं है। फिर लिखा है कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक, या दूर है इक्वेटर से तो दूर वीक कैसे हो जाएगा, ये भी रूल आउट हो जाएगा। सीट सरफेस टेम्परेचर आर लो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो करंट्स का भी इम्पैक्ट रहता है, तो करंट मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि जो ITCZ है, मैंने आपको बताया था ITCZ, तो जो ITCZ की शिफ्टिंग है ये 10 डिग्री 15 डिग्री तक ही लिमिटेड रहती है दोनों लेटिट्यूड्स में, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर्स। ठीक है, ये सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑप्शन बी, वाई ऑप्शन बी, क्योंकि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इतनी दूर तक शिफ्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए आंसर होगा ITCZ सेल्डम अकर्स। महेंद्र सिंह क्लियर है? महेंद्र यस, सबको क्लियर है? और जो नया स्टूडेंट कोई आया है तो प्लीज़ वो सेशन को लाइक भी कर दो प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 5 लोग कम है 400 हो जाएगा, या बेंचमार्क एक पार हो जाएगा ये भी, राइट। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट, यानी जो काउंटर इक्वेटोरियल काउंटर करंट है वो ईस्टवर्ड क्यों जाती है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर ऐसे, कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये इक्वेटर हो गया, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट दोनों ही यहाँ पे क्या कर रही हैं, सरप्लस में वाटर को एक्यूमुलेट कर दे रही हैं। जब सरप्लस में वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या होगा, ये बैक फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ये सरप्लस में जो वाटर आए क्या होगा, ये बैक फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो वाटर बैक फ्लो कर रहा है इसी को बोलेंगे हम काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो इतनी चीज़ अगर ध्यान रख लोगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि सीधा के सीधा डायग्राम ड्रॉ करके देख लो इसका, ठीक है। तो यहाँ पे द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, टेन लिखा है कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट्स, टेन लिखा है डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑफ वाटर, टेन लिखा है अकरेंस ऑफ द बेल्ट्स ऑफ काम नियर द इक्वेटर, ये तो आराम से रूल आउट हो जाएगा, सैलिनिटी डिफरेंस आराम से रूल आउट हो रहा है, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस ये भी रूल आउट हो जाएगा आराम से। तो आंसर क्या हुआ इसका, ऑप्शन बी कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट्स। ये सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन गाइस, कि दो इक्वेटोरियल करंट्स हैं जो अपने वाटर को यहाँ पे लगे क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है, टू इक्वेटोरियल करंट्स, दे आर कन्वर्जिंग देयर वाटर हियर। आज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, सोचना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि PYQs को बहुत सीरियसली लो, ठीक है, PYQs को बहुत सीरियसली लो। आज बहुत सारे लोग एबसेंट हैं यहाँ पर, कृतिका है यहाँ पर, कृतिका, कृति, अंशु, आदिश, आदित्य, बहुत सारे लोग आज गायब हैं। एक दिन जोश आया, हाँ पढ़ना है, PYQs करने है, सर ने बोला है, अगले दिन सब गायब हो गए हैं, ठीक है। मैं आई एम अगेन टेलिंग यू, PYQs की तैयार, अगर PYQs आपने नहीं देखे हैं तो इसका मतलब सिंपल सिंपल ये हो गया है कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर, बट आपको नहीं पता आपका एनिमी कैसा दिखता है, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक होती है, पता चला आप तीर भाले लेके गए हुए हो और वो वहाँ पे जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न मशीन गन्स लेके आपको वेट कर रहे हैं। तो इट्स सिंपल लाइक दैट ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर के बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
डायग्राम बताऊँ फिर से बताऊँ डायग्राम? ठीक है, डायग्राम बता देते हैं फिर से, इस वाले को रब कर देते हैं ये, चलो नेक्स्ट पेज पे। हाँ, सो बेसिकली देखो ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है। अब देखो ऐसा मत कहना कि सर आपने जो अर्थ है एकदम गोल नहीं बनाई है, क्योंकि वैसे भी परफेक्ट स्फेयर नहीं है अर्थ। अर्थ इज़ अ जियोड शेप प्लानट, ठीक है ना। अब क्या होता है, विंड्स के इन्फ्लुएंस से वाटर करंट्स इस तरह से मूव करेंगी, इधर से भी और इधर से भी। ये कौन सी है, ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये है साउथ इक्वेटोरियल करंट। दोनों क्या कर रही है, बहुत सारा वाटर इस इक्वेटर पे इकट्ठा कर दे रही है लाके सरप्लस में। तो जब बहुत सारा वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा तो कॉन्टिनेंट्स वगैरह से इन सब से क्या होगा, कॉन्टिनेंट भी तो होगा ना यहाँ पर कुछ, उससे टकरा के ये वाटर क्या होगा, ये वापस बैक फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये जो वापस बैक फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है, इसी को बोलेंगे काउंटर इक्वेटोरियल करंट। इमेजिन करो यह बकेट ऑफ वाटर, और आप उस बकेट ऑफ वाटर को जैसे दीवार पे फेंकोगे तो क्या होगा, वो वापस जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर द काउंटर इक्वेटोरियल करंट एज वेल, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं गाइस, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइड्स अकर्स इन द ओशियन एंड सीज ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग? पहले लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, सेकेंड लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, और थर्ड लिखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इजी, थोड़ा सा ध्यान देना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जब ऐसे नाम आते हैं तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो नॉन साइंस बैकग्राउंड बच्चे होते हैं, यानी कि जो आर्ट बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं, वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे दिया यहाँ तो, सेंट्रीपिटल फोर्स दे दिया है। तो डरना नहीं है, डरना मना है, और सेशन को लाइक करना कंपलसरी है, समझ रहे हो कि नहीं, सेशन को लाइक करना कंपलसरी है, कर दो भैया जल्दी से। हाँ, प्रताप ने आंसर दिया ऑप्शन डी, श्रेयास ने भी आंसर दिया डी, ओमकार, नंदिनी, महेंद्र, सिद्धांत, ऐश्वर्या, क्या बात है, सबका आंसर डी आ गया यार, किसी का भी गलत नहीं हो रहा आंसर यहाँ पर, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, नंदिनी ने आंसर गलत दिया है। हाँ, नंदिनी क्या हो गया है, नंदिनी को आजकल क्या हो गया भाई, ये पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है या रिविज़न नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? यस नंदिनी, अगर कुछ नहीं है तो तुम ये भी देख सकते थे कि सन की और मून की ग्रेविटी लगती है कि नहीं लगती है, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, क्वाड्रेचर पोजीशन, ये तो होता ही है। वन एंड टू का पेयर कहीं है ही नहीं किसी भी ऑप्शन में, वन और टू वाला पेयर कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ एक ही जगह डी में, इसलिए आंसर क्या हो गया, सीधा ऑप्शन डी हो गया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी जो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो लगेगी लगेगी, ठीक है ना। हाँ जी, बताया था क्लास में मैंने, तो इसलिए आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। अंडरटेकर भी है हमारे बैच में, क्या बात है यार, ओ माय गुडनेस, अंडरटेकर जी आंसर है इसका ऑप्शन डी, ध्यान से देखो इसको, इसका आंसर है ऑप्शन डी। देखो एक सब्जेक्ट को रिवाइज करे दूसरा भूलने लग जाओ, तो देखो इसका मैंने पहले भी कई बार बताया है, तुम्हारा रिवीजन प्लान दो दो लेवल पे होना चाहिए, एक होना चाहिए रनिंग रिवीजन, ठीक है, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। तो एक होना चाहिए तुम्हारा रनिंग रिवीजन, मान लो आपका सब्जेक्ट चल रहा है हिस्ट्री, हिस्ट्री में जो भी आपके टीचर ने पढ़ाया है उसको घर पे जाके कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करो, ठीक है, उस पर बेस्ड जो भी MCQs हैं, मेन्स के क्वेश्चन उनको सॉल्व करो, उनको देखो एटलीस्ट, ठीक है ना। और इसके साथ साथ वीक में एक दिन रिजर्व रखो ऐसे सब्जेक्ट के लिए जो आप पहले पढ़ चुके हो। अब उसमें ऐसा सब्जेक्ट उठाओ पहले जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा मतलब दिक्कत आती है, जिसमें तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो, यानी जिसमें थोड़ा तुम्हें डर लगता है, ऐसे सब्जेक्ट को उठाओ, उसको रिवीजन मारो एक दिन, यानी वीक, हर वीक एक सब्जेक्ट ऐसा उठा लो जो आप पहले पढ़ चुके हो। तो रनिंग रिवीजन, और फिर हो गया आपका एक कॉन्स्टेंट रिवीजन। जब इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपके हर टॉपिक पे, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, एनवायरमेंट इकोलॉजी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, किसी का भी टॉपिक होगा, यू विल फील कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। दिक्कत तभी आती है बच्चों को जब बेसिकली वो पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं, नई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा तुम्हें, एक रूटीन बना के रखना पड़ेगा उस चीज़ का, समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो? तो सेशन को लाइक कर दो जल्दी से, ये बार बार बोलना पड़ रहा है यार, मतलब अब मैं अच्छा लगूंगा भी बोलते हो बार बार ऐसे, खुद ही कर दो यार सेशन को लाइक।
आया करो करो, जैसे क्लास में बोलते हो ना गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, तो यहाँ पे तुमने लाइक कर दिया, मैं समझ जाऊँगा गुड इवनिंग बोल दिया सबने, ठीक है ना। चलो इस आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। कायदे में यार ये वाले क्वेश्चंस मुझे लगता है उस पर कराना चाहिए वीडियो कॉल पे, ठीक है, यानी जूम कॉल के थ्रू या ऐसा कुछ कराना चाहिए था जिसमें मैं स्पेशली चुन चुन के लोगों से पूछता कि भाई तुम बताओ आंसर, तुम ही बताओगे बस आंसर। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, सबसे इजी क्वेश्चन है, इजेंट इट? बताओ जल्दी से आंसर बता दो इसका। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है गाइस, ये मतलब मैं समझ रहा हूँ कि शायद ही ऐसा कोई होगा जो इसका आंसर नहीं दे पा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का, यस ठीक है। तो इतने इजी क्वेश्चन है तो वी शुड बी थैंकफुल टू यूपीएससी, ठीक है, कि उसने कहा होगा कि यार इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दिए। वैसे डिफिकल्ट और इजी कुछ नहीं होता है, जो चीज़ तुम्हें पता है वो इजी है, जो नहीं पता वो डिफिकल्ट है, नो मैटर वो कितना इजी कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, इट इज़ एज सिंपल एज डैट, ठीक है ना। तो जो चीज़ पता है वो इजी है, जो नहीं पता है वो ऑब्वियसली डिफिकल्ट ही लगेगा। यहाँ पर आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, ठीक है। एक मैंने YT शॉर्ट भी अपलोड किया था जिसमें इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये सारे मैंने डिस्कस किए हैं, उनको भी अगर आपने देखा होगा, जो कि 30 सेकेंड का शॉर्ट है, उससे भी तुम्हें ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ सपोर्ट दिस एंड शेयर कर दिया करो ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें औरों को भी, ताकि किसी को कुछ फ़ायदा मिल जाए उस चीज़ का। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार, इनमें से कौन सी रिवर जो है ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है? अब ये देखो पूरा का पूरा एक ऐसा क्वेश्चन है कि जब आपने रिवर के टॉपिक को पढ़ा होगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड पुलकित, अच्छा आज पुलकित भी आया है, वेरी गुड। तो इंद्रावती और प्राणहिता ये रिवर जो है बेसिकली किससे बिलोंग करती है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है ये, ठीक है, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2 एंड 3, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 एंड 3। मैप लेके बैठे हो, एटलस लेके बैठे हो, तो आई थिंक मैंने थोड़ा जल्दी आंसर बता दिया इसका, तो आई थिंक आई शुड हैव स्टॉप, आई शुड हैव वेटेड फॉर यू, ठीक है, अगले क्वेश्चन में वेट करूँगा, ठीक है। सो गाइस, गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, या वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, या गंगा ऑफ साउथ भी बोला जाता है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया, ठीक। एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज लिखी हैं ये, पेन गंगा, वैन गंगा, वर्धा, प्राणिता, पेंच, कन्हन, सबरी, फिर प्रवरा, मूल, मंजरा। ये पेन टैब खराब हो गया लगता है मेरा, ठीक है, इस अपने आप ही खींचे जा रहा है कुछ भी। चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। तो वंशधारा, ठीक, पेन्नर, इन रिवर्स को आपको बेसिकली ड्रॉ कर करके, हाँ इन रिवर्स को ड्रॉ कर करके बेसिकली आपको जो है पूरा अच्छे से तैयार करना चाहिए, ठीक है, पूरा इनको जो है अच्छे से ऐसे तैयार करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज़ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो फिर से थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है गाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी इन तीनों वैरायटी के फॉरेस्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। देखो तो मैंग्रोव है तो सीधी सी बात कोस्टल तो हो गई होगा, एवरग्रीन भी है, डेसिडियस भी है। अब ये कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब कोई रीजन जो है नॉर्थ टू साउथ उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, जब उसकी लेंथ नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा होगी, यानी एक रीजन पड़ रहा होगा ट्रॉपिकल रीजन के पास, दूसरा रीजन पड़ रहा होगा सब ट्रॉपिकल रीजन के पास, तभी वेजिटेशंस में ऐसी वेरिएशन देखने को मिलेगी। तो इन सारे में, इन सारे रीजन्स में कौन सा ऐसा रीजन है जिसका नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड ज़्यादा है? तो आंसर है यस, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ तुम आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। देखो गाइस प्लीज़ बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी स्टूडेंट गूगल चेक कर करके आंसर ना दे, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए बैठे हो, या यू नो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी एक भी स्टूडेंट ऐसी गलती ना करे बिल्कुल भी, ठीक है, यानी ऑनेस्टी के साथ आंसर दो। गलत हो रहा है तो भी दिक्कत नहीं है, अच्छा है सही दे रहे तो अच्छी बात है ही, लेकिन थिंक, लॉजिक लगाओ।
पेपर में कितना भी पढ़ोगे आप रटा रटाया कुछ नहीं आएगा पेपर में। मैं कितनी बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि मैं क्लास में जो नोट्स दूंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा क्लास में, एज इट इज़ कुछ नहीं आने वाला है। जो भी आएगा उस नॉलेज पे बेस्ड आएगा और वो गारंटीड है आएगा ही आएगा, ठीक है। जिनको किसी को भी जैसा डाउट हो, पिछले साल के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और पिछले साल का जब मैंने उनको वहाँ पे बैच लिया और उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ प्रीलिम्स का, मैच करके देख लो प्रीलिम्स का मेंस का, क्वेश्चन सारे वैसे के वैसे मिल जाएंगे, ठीक है। यस, सो बेसिकली आंसर यहाँ पे हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये समझ में आ रही है बात सबको? ये सबको क्लियर है गाइस? यस, ये सबको क्लियर हो गया ना? 396 पे अटका हुआ है मामला। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल कॉमा टेम्परेट एंड ऑर्कटिक। यस, अब सोचो इस क्वेश्चन को। यानी यहाँ पे ट्रॉपिकल वेजिटेशन भी है, सब ट्रॉपिकल भी है, टेम्परेट भी है और आर्कटिक भी है। तीन चारों टाइप का हो गया क्लाइमेट यहाँ पर। कंचनजंगा, नंदा देवी, न्योरा वैली नेशनल पार्क और नामदाफा नेशनल पार्क। देखो तुम्हें मैंने 2019 का क्वेश्चन पेपर भी कराया था, उससे मैंने वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की बात करी थी हमने, एल्पाइन वेजिटेशन याद है सबको, थोड़ा सा क्ल्यू दे दिया है, इससे ज़्यादा क्ल्यू नहीं दूंगा, ठीक है, इससे ज़्यादा क्ल्यू नहीं दूंगा। 2019 का अगर क्वेश्चन पेपर तुम्हें याद होगा जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे सेशन में लाइव, तो वहाँ पे हमने एल्पाइन वेजिटेशन की बात करी थी और उसमें एक ऑप्शन था वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, यानी जितना ऊपर है, जितना नॉर्दर्न साइड में लोकेटेड है स्टेट के, उतना ज़्यादा वहाँ पे कूलर चांसेस होंगे क्योंकि वो हायर लेटिट्यूड्स में हो गया। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वसंत, वर्षा, नंदिनी, बहुत बढ़िया, क्या बात है गाइस। देखो ऑनेस्टली बताओ, कुछ बेनिफिट मिला है सेशन का, इन सेशंस का कुछ बेनिफिट मिल रहा है, हेल्पफुल लग रहा है आपको, हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये बताओ मेरे को। इस तरह का PYQ सेशन हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऑप्शन ए कंचनजंगा नेशनल पार्क लिखा है किसी ने, नंदा देवी नेशनल पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क और नामदाफा नेशनल पार्क। यस, न्यूज़ में भी है नामदाफा, क्यों न्यूज़ में बताओ जरा। चलो यही बताओ कि नामदाफा नेशनल पार्क न्यूज़ में क्यों है, ये भी आज मैंने आज की क्लास में डिस्कस भी किया इस चीज़ को, है ना? यस, तो याद करो याद करो, कंचनजंगा ऊपर है, नंदा देवी ऊपर है, अरे इतना बड़ा क्लू दे रहा हूँ मैं, नियोरा वैली और नामदाफा कहाँ पर है ये सोचो, अपने आप समझ में आ जाएगा ये कौन क्वेश्चन। अपने आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ये। अरे यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था इसमें। अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, यस, कंचनजंगा, नंदा देवी, न्योरा वैली नेशनल पार्क, नामदाफा, सोचो इनकी लोकेशन देख लो। देखो कई बार क्या होता है ना, नेशनल पार्क UPSC यहाँ पे तुम्हें क्या गाइड कर रहा है, यहाँ पे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपको बेसिकली सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि ये कौन से स्टेट में है, ठीक है ना, आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि ये कौन से स्टेट में है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट में, उसके वेस्ट में है, उसके साउथ में है, उसके ईस्ट में या उसके नॉर्थ में है, ठीक है। यस यस, टाइगर मिला है हाई ऑल्टीट्यूड पे, सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, नामदाफा नेशनल पार्क, ठीक है। ये जितने रीजन्स दिख रहे हैं तुम्हें ये माउंटेनस एरियाज में है, जैसे बाकी के ऊपर के तीन, जैसे नामदाफा नेशनल पार्क की बात करते हैं पहले, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको डेजिग्नेट किया था 1972 में, फिर 1983 में इट वॉज डेजिग्नेटेड एज अ टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क एंड इट इज़ ऑन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देर आर ऑल्टीट्यूडिनल वेरिएशन विच कैन रेंज फ्रॉम 200 मीटर टू 4500 मीटर एट डाफा बूम, ठीक है, एंड इट इज़ द ओनली पार्क, क्योंकि ये पार्क जो है बेसिकली कई लेवल्स पे लोकेटेड है माउंटेन के, ठीक है। तो आप देखोगे लोअर लेवल्स पे अलग स्पीशीज है, तो इसमें कैट फैमिली की 4 वेराइटीज मिलती है, टाइगर भी मिलेगा, लेपर्ड भी मिलेगा, क्लाउडेड लेपर्ड भी मिलेगा और स्नो लेपर्ड भी मिलेगा।
साथ के साथ लेपिडोप्टेरा स्पीशीज़ मिलेंगी। लेपिडोप्टेरा स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? जो बटरफ्लाई वाली स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है ना। लेपिडोप्टेरा स्पीशीज़ मिलेंगी साथ के साथ प्राइमेट्स की वेराइटी, स्टम टेल मकाओ, ठीक है, पिग टेल मकाओ, असमिस मकाओ, ये सारी स्पीशीज़ यहाँ पर मिलेंगी। सो यह थोड़ा सा ना ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें कि इनकी लोकेशन कैसे कैसे कहाँ पर है ये, ठीक है। न्यूज़ में आ रहा है, ये फेवरेट है नामदफा नेशनल पार्क वैसे भी यूपीएससी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये सारी स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको प्लीज़ एक बार जरूर चेक करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो न्योरा वैली नेशनल पार्क है कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल, एंड अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस कलिम्पोंग, ठीक है ना। और ये बेसिकली रेड पांडा के लिए फेमस है। अब रेड पांडा जो है बहुत छोटा सा ही होता है, और मतलब ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता ये रेड पांडा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला स्पीशीज़ में आता है ये, ठीक है। देन इसके बाद आता है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क और कंचनजंगा, ये सब हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में या हाई लेटीट्यूड रीजन्स में, तो यहाँ पे वेजिटेशन की वैरायटी ज़्यादा नहीं मिलेगी कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू नामदफा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, पहला लिखा है अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड हिमाचल प्रदेश, एंड थर्ड लिखा है मिजोरम। इन विच ऑफ द अबव स्टेट्स डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर्स? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ, मैं पीडीएफ बना के दे दूंगा, पीडीएफ बना के दे दूंगा जी। टेलीग्राम चैनल सब लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल सब लोग ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ जरूर मिलेगी। और साथ के साथ जरा चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सॉरी सब्सक्राइब कर दो, जो भी नए लोग आ रहे हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर दो, मतलब 500 क्रॉस करवा दो, ठीक है, इन द नेक्स्ट 3-4 डेज। सो पीडीएफ भी तुरंत के तुरंत अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, भले ही कम रहे लोग, लेकिन जितने रहे बढ़िया रहे, दमदार रहे, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है ना, सीरियस लोग आने चाहिए। अब ये क्वेश्चन बताओ, ज़रा सा भी डिफिकल्ट लगा ये तुम्हें? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, जरा सा भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा क्या किसी को भी? संयुक्ता, थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, सोचो इसके बारे में। यस संयुक्ता, थोड़ा सोचो इसके बारे में कि क्या है ये। आप कौन से बैच में पढ़े हो मेरे से, कौन से रीजन में, ये भी बताओ मेरे को संयुक्ता। यस, और इसका आंसर दो, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, मिजोरम है। ट्रॉपिकल कहाँ मिलेगा? ट्रॉपिकल वेजिटेशन, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, अरे वेट लिखा है यानी कि रेनफॉल भी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। तो ये बताओ, हिमाचल प्रदेश इंडिया के ऑलमोस्ट एक तरफ आ गया वेस्टर्न साइड पे, और अरुणाचल मिजोरम ये एकदम नॉर्थ ईस्ट में आ गए, ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे हो रही है? ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे हो रही है? वेस्ट में हो रही है इधर, या इधर ईस्टर्न साइड में हो रही है, ये बता दो। इससे भी तुम्हें लॉजिक लग जाएगा, हिमाचल प्रदेश एलिमिनेट, आंसर सीधा ऑप्शन सी। ये समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ए बस सारे लोग अपने अपने रीजन्स लिखो, कौन कहाँ से सेशन देख रहा है अभी लाइव, ठीक है। ए बस जरा अपनी अपनी सिटी और लिख दो कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ से अपनी सिटी से लिख रहा है। अगर मुझे तुम्हारी सिटी के बारे में कुछ यूनिक पता होगा तो मैं जरूर बताऊंगा यहाँ पर, ठीक। यस, अगले क्वेश्चन पे चले जल्दी से, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ रहा हूँ, वो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना उसको जब आपको पीडीएफ मिल जाएंगी इनकी। यस, हाँ, सबसे ज्यादा रेनफॉल है, बिल्कुल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द विंड्स विच ब्लो बिटवीन 30 degrees north टू 60 degrees south। यस, द विंड विच ब्लोस बिटवीन 30 degrees टू 60 degrees south latitude throughout the year are known as westerlies. The moist air masses that causes winter rains in northwestern region of India are part of westerlies. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत ही बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। देखो इसको जरा सोचो। यस, यस गाइस, जल्दी बताओ इसका आंसर। इजी क्वेश्चन है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
चलो आंसर भी बता, जिन्होंने अपनी सिटी के नाम लिख दिया वो आंसर भी दे दे कृपया करके। यस पुलकित शिवा, जल्दी आंसर दो गाइस। बहुत बढ़िया पुलकित रावत ने आंसर दिया ऑप्शन सी, वेरी गुड। बाकी लोगों के आंसर नहीं आ रहे, जल्दी आंसर दो भाई, नेट की स्पीड लगता है स्लो है सबकी। इजी क्वेश्चन है, बहुत सबसे इजी क्वेश्चन है। सॉरी, दिस इज द मोस्ट इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं तुम्हें करेक्ट आंसर बता देता हूँ। आप सब लोगों में करेक्ट आंसर दिया सिर्फ वर्षा गौतम ने, ठीक है। द विंड्स विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से। अरे यार यहाँ पे ये, हाँ चलो बन गया है, ठीक है। तो 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और 60 डिग्री साउथ, इसमें जो विंड चल रही है इनको वेस्टर्लीज बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता है? ये इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट। 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ होता तो ठीक था, ठीक है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 30 डिग्री जो वेस्टर्लीज हमारी कैसे चलती है, वो 30 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 30 से 60 डिग्री, सदर्न हेमिस्फेयर में 30 से 60 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? फिर लिखा है द मॉइस्ट एयर मासेस दैट कॉजेज विंटर रेन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज बोल रहे हैं यार, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। कई जगह रेनफॉल होनी स्टार्ट हो गई है ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज वाली, समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ ये समझ में आया कि नहीं आया कि कहाँ पे इन्होंने आपको ट्रैप कराया? तो यूपीएससी वाला ऐसे ट्रैप कर लेगा तुम्हें, ठीक है ना? इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, टू ओनली। क्लियर है गाइस सबको ये? इट्स आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन। हाँ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। तो आप देखो ये वेस्टर्लीज के लैटिट्यूड कौन सा हो गया, 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ। क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो गया, 30 डिग्री से 60 डिग्री साउथ तक, ये रीजन पूरा वेस्टर्लीज का है। तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलो अब ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा टेंशन मत लो, हो जाता है ऐसा। देखो अभी जितनी गलतियाँ करनी है कर लो, ऑनलाइन बैठ के क्लास में बैठ के जितनी गलतियाँ करनी है कर लो, क्लासरूम की गलतियाँ माफ़ है, ठीक है ना? क्लासरूम की गलतियाँ माफ़ है, एग्जामिनेशन रूम की गलतियाँ माफ़ नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए वहाँ पे गलतियाँ ना करो, ठीक है ना? वहाँ पे गलतियाँ ना करो, इसलिए यहाँ जितनी गलतियाँ कर सकते हैं कर लो, लेकिन उन गलतियों से सीख भी लो, उनसे लर्निंग लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पीशीज। मैंने तुम्हें कई बार बोला है जितने टाइप की वेजिटेशन है सबकी चार चार पांच पांच स्पीशीज याद कर लो। अब मेरे ख्याल से इससे बढ़िया क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलने वाला है। ये इट इज अ क्वेश्चन विच हैव बीन सर्व्ड ऑन प्लेटर कि भैया आओ और खा लो इसको, इजेंट इट? आंसर बता दो इसका जल्दी से, कि जो टीक का ट्री है, ठीक है ना, टीक का ट्री है, ये इनमें से कौन से फॉरेस्ट में मिलेगा? वेरी गुड अरुंधति, लगता अरुंधति का नेट बहुत फास्ट चल रहा है, एकदम तुरंत प्रॉम्प्ट आंसर आया अरुंधति का एकदम ही।
यस एकदम प्रॉम्प्ट आंसर आया है आज अरुंधति का एकदम। यस वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई भी ट्रैप नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा आज मयंक गॉड भी यहाँ पर अवेलेबल है। गुड इवनिंग मयंक, क्या हाल चाल है तुम्हारे? आज सारे इंडिया के स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। क्योंकि जो टीक ट्री है वो इसी के एग्जांपल में मैंने आपको क्लास में भी बताया है ना, ये तो बकायदा पूरा एकदम एज इट इज़ आपको बताया है ना। तो हर वेजिटेशन की आपको तीन चार स्पीशीज़ पता होनी चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल है ये टेक्निक। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बस थोड़ा सीरियसली लो चीज़ों को करने के लिए। अरे ऑलरेडी यू आर सीरियस, ऑलरेडी यू आर सीरियस, वरना इतने टाइम पे, दिस इज़ अ पीक डिनर टाइम, और इतने टाइम पे आप लोग यहाँ बैठे नहीं होते। दिस इज़ योर डेडिकेशन जिस वजह से बैठे हो, एंड आई एम रियली वेरी ऑब्लाइज विद दिस थिंग, ठीक है। यस गुड इवनिंग मयंक। सो गाइस, अब देखो ये वाला चीज़ देखो, फिर से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन 13, मतलब सॉरी जो 2015 का जो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर था ना, वो एग्जामिनर ने बड़े खुश मूड में बनाया था एकदम ही, और खुश था वो। हो सकता है उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी हो, ठीक है ना, या कुछ भी एक्सरसाइज, हो सकता है उसका प्रमोशन वमोशन हुआ हो, कुछ हुआ हो ऐसा। तो 2015 का क्वेश्चन पेपर देखो जरा, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। बस एक सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, सिंपल सा ये वाला। हाँ यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया वर्षा, अपने एम से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात बोली है वर्षा ने। मैं ये बात अच्छी है मेरे साथ, देखो कि मेरे को जितने भी स्टूडेंट्स मिले हैं यहाँ पे, 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, 35 लोग, जितने भी लोग लाइव आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 90% प्लस मैं कह रहा हूँ कि सीरियस से सीरियस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से। यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कॉमन सेंस, एक सिंपल सा यहाँ पे जो है लॉजिक है गाइस, जल्दी बताओ। श्री सेलम, नलमला हिल्स, ओमकारेश्वर, सतमाला हिल्स, पुष्कर, महादेव हिल्स। ऑप्शन ए। क्या होगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया, क्या लॉजिक, अच्छा चलो ठीक है, लॉजिक क्या लगाया है ये बता दो मुझे बस। यस लॉजिक क्या लगाया है यहाँ पे ये? ओम, थोड़ा ध्यान से सोचो, ओम सावत्कर, थोड़ा ध्यान से सोचना है यहाँ पे। पुष्कर, पुष्कर मेला, पुष्कर टेंपल कहाँ पर है? अरे अब तो इतना बड़ा क्ल्यू दे दिया यार। हाँ तो पुष्कर जो है कहाँ पर है? अरावली हिल्स में तो है यार, पुष्कर मेला भी लगता है, पुष्कर टेम्पल भी है जो ब्रह्मा जी का ओनली टेम्पल है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो पुष्कर कहाँ पर है, महादेव हिल्स में है या पुष्कर अरावली हिल्स में है? यस पुष्कर इज इन अरावली हिल्स, ठीक है। अरे यार ये पेन टैप की गड़बड़ हो गई लग रहा है, तो चलो ये अरावली हिल्स है, ठीक है अरावली हिल्स है। अब ऑप्शन मतलब थर्ड वाला जहाँ पे भी, उसको एलिमिनेट करना है, बी को एलिमिनेट कर दो, सी भी एलिमिनेट, डी भी एलिमिनेट, सीधा आंसर आ गया ऑप्शन ए। मैंने बोला ना, हाँ मैंने बोला ना कि मतलब 2015 का क्वेश्चन पेपर यूपीएससी एग्जामिनर बहुत अच्छा था, भगवान उसको उसका भला करे, ठीक है ना, भगवान उसको एक चेयरमैन बनवा दे, और अगली बार जो प्रीलिम्स आ रहा है उस ये पेपर भी उसने सेट कराओ, ठीक है। मज़ेदार पेपर एकदम बनाया एकदम ही, देख रहे हो 80% क्वेश्चंस तो आराम से तुम कर पाओगे, आराम से 80-90% क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा फंस सकता था स्टूडेंट वहाँ पर,
अदरवाइज बाकी के में सब में आप देखोगे तो ये इजीली होने वाले क्वेश्चन सही है। ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, ओमकारेश्वर हो गया, मंडाता हिल्स में हो गया, ठीक है। तो दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ 2015। तो श्री सेलम कहाँ हो गया? नल्लामाला हिल्स, ठीक है। ओमकारेश्वर ये हो गया मंडाता हिल्स, और पुष्कर हो गया अरावली हिल्स में, ठीक। सो गाइस, आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा क्वेश्चन को करने में, ठीक है। पूरे दिन का आधा घंटा तुम्हें थोड़ा सा मतलब आज थोड़ा आधे घंटे से ज़्यादा लग गया होगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा थे, लेकिन क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है हमारे लिए। सो अब यहाँ पर किसी का कोई डाउट है तो वो अपना डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं सेशन को एंड करता हूँ और कल दोबारा मिलेंगे 7:30 PM पे ही। कैसा लगा आज का सेशन ये बताओ पहले कमेंट बॉक्स में। यार तुम एकदम भाग जाते हो, कमेंट बॉक्स में कुछ लिख के भी चले जाया करो, कुछ अपना फीडबैक लिख जाया करो, अपनी रिएक्शन लिख जाया करो, कैसा लगा तुम्हें, अच्छा लगा वो भी, नहीं अच्छा लगा वो भी लिख दिया करो, है ना। एकदम ही भागते हो सीधा का सीधा एकदम ही। कमेंट बॉक्स लाइव चैट वाला नहीं, जो एक्चुअल कमेंट बॉक्स है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उस कमेंट बॉक्स में कुछ ड्रॉप कर जाया करो कमेंट्स वगैरह को, ठीक है। लेकिन आज के सेशन में जो गाड़ी है वो 396 पे ही अटक गई, चार भी अगर बढ़ जाते तो आज 400 सब्सक्राइबर हो जाते तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता। बट एनीवेज प्रिपेयर करो अच्छे से, और लाइव चैट में नहीं, एक्चुअल कमेंट बॉक्स जो होता है वीडियो में वहाँ पे कमेंट कर देना बाद में, जब कमेंट बॉक्स अभी एक्टिव हो जाएगा थोड़ी देर में, शायद अभी लाइव चैट चल रही है इसलिए नहीं हो रहा होगा, ठीक है। किसी का कोई डाउट है, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, किसी भी टॉपिक में, करंट अफेयर्स में, किसी में भी, यू कैन यू नो आस्क डैट ऑल्सो। बाकी ACIO की वैकेंसी निकली हुई है, UPPCS की वैकेंसी निकली हुई है, जो जो लोग एलिजिबल हैं उन एग्ज़ाम्स को दो, ठीक है। कितने लोग तुम्हें भड़काएंगे, जो से ज़्यादा तुम्हें मोटिवेट करेंगे, पंप करेंगे, अरे IAS के आप प्रधानमंत्री बन सकते हो तुम, वो बकवास मत सुनो। सिंपल सिंपल करना है कि 5-6 एग्ज़ाम है जो UPSC की तैयारी करते करते तुम दे सकते हो। बहुत ही जल्दी मैं उसका एक शॉर्ट अपलोड कर दूंगा, यानी क्योंकि आपके पास टाइम की कमी बहुत रहती है तो 40-50 सेकेंड्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। फिलहाल ACIO और दूसरा है UPPCS, ये इनकी वैकेंसी निकली हुई है। जो लोग भी एलिजिबल हैं, यूपी स्टेट वाले जितने लोग हैं अपने स्टेट PSC को हमेशा भरेंगे, यानी आप जिस भी स्टेट PSC से बिलोंग करते हो अपने स्टेट PSC को भी सीरियसली लो, ठीक है। 21-22 साल की एज में, 23 की एज में SDM DSP या कोई भी एक सरकारी जॉब तुम्हें मिल जाती है, उसके बाद भी तुम तैयारी कर सकते हो IAS की। ऐसा नहीं है कि सरकारी जॉब मिल गई तो IAS की तैयारी नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो एनीवेज ये बात हम फिर करेंगे, लेकिन फिलहाल पढ़ाई करो एंड बी रेडी फॉर नेक्स्ट सेशन। टुमारो मिलते हैं 7:30 PM पे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।